इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए और ये सभा बना के इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हरविंदर सर से स्वागत हुआ कि हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष का स्वागत करें प्रोफेसर का इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे यूपी से बता रहे हैं सेक्रेटरी से आगे करूंगा कि वो हमारे खेल विभाग से पधारे हुए हमारे रामबाबू सैनी जी का स्वागत करें साथ में ही मैं हमारे जयसिंह जी से आग्रह करूंगा कि हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट राठौर सर का स्वागत करें इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे तमिलनाडु से पधारे हुए सेक्रेटरी साहब से भी स्वागत करूंगा हमारे लोकेश जी का भी स्वागत करें लोकेश सर इसी कड़ी में मैं स्वागत करूंगा हमारे विजेंद्र जी से कि वो हमारे डॉक्टर साहब जो नेशनल हॉकी के प्लेयर भी रह चुके हैं उनका स्वागत करें कौन है और मैं हमारे राम राजा राम जी से या बाबूलाल जी से आग्रह करूंगा कि हमारे सर का भी स्वागत करें आप दोनों चले जाओ
इसी कड़ी में आगे हमारे यूपी से पधारे सेक्रेटरी साहब का भी हम स्वागत करेंगे। हमारे राजस्थान से आई चलिए आप माला पहना के स्वागत किया जाए। तथा यूपी से पधारे हुई मैम उनका भी स्वागत। कोई चलो 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 जल्दी साथ में ही तमिलनाडु से पधारे हुए हमारे उमेश जी और हमारे हरियाणा से पधारे हुए मैम और सर सेक्रेटरी साहब और कोऑर्डिनेटर उनका भी स्वागत। सर के जी स्वागत करेंगे। सर आप माला पहनिए ना। इसी स्वागत कड़ी के बाद मैं आमंत्रित करूंगा हमारे खेल विभाग से पधारे राम बाबू जी। उनका इशारा है कि आगे प्रोग्राम को बढ़ाए और मैं इसी कड़ी में कि बच्चे सभी बैठ जाए एक बार और जो उधर की लाइन है वो इधर आ सके, वो लास्ट की दो लाइन है वो इधर आ जाइए, पीछे हो गया जाइए पीछे हो गए बैठ जाएगी बाकी। जल्दी आइए बेटा। मैं हमारे डॉक्टर साहब से भी आग्रह करूंगा, वो राष्ट्रीय नेशनल हॉकी के खिलाड़ी रह चुके हैं, वो अपना अनुभव शेयर करें। मुख्य अतिथिगण टबो सर, गजेंद्र सर जी और सभी माननीय मुख्य अतिथियों से मेरा स्वागत करता हूं। और ये सॉफ्टबॉल सेकंड चैंपियनशिप है ऑल इंडिया, मैं खुद इसका एक दर्शक होकर देखना चाहता हूं कैसे रूल्स हैं, कैसे खेला जाता है, क्या गोल पोस्ट वगैरह की है। और उम्मीद करता हूं कि प्रतियोगिता बहुत अच्छी रहेगी, अच्छे मुकाबले देखने को मिलेंगे और जो सलेक्शन होगा यहाँ से टीम का इंडिया टीम के लिए वो भी बहुत बढ़िया होगा और आगे जाके ये अपनी अच्छी प्रस्तुति दें और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में। मैं अब आग्रह करूंगा कि हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट साहब इसमें दो शब्द बोलें। आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि पूनिया साहब, यहाँ के डायरेक्टर हमारे भाई पूरण जी, उपस्थित सभी मेरे साथीगण, सॉफ्ट हॉकी का इजाद यहाँ राजस्थान से ही हुआ है और हमारे यहाँ के रमेश सिंह जो पहले रोल बॉल को भी उन्होंने ऊंचाइयों तक पहुंचाया है और उम्मीद करता हूं कि इस हॉकी को भी वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक लेके जाएंगे। ये जो नई हॉकी है सॉफ्ट हॉकी, ये तीन चीजों से मिक्स करके बनाई गई है, हॉकी, हैंडबॉल और एक रोल बॉल, तीनों चीजों का मिक्स करके इसमें आपके इंजरी कम होने के चांसेज है। गोल पोस्ट छोटा है, आपके प्लेयर 12 होते हैं, 6 खेलते हैं, कुल मिला के गेम फास्ट होगा। आने वाले टाइम में जब आप सब लोग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाएंगे
आप देखोगे ये गेम इतना फास्ट हो जाएगा कि अच्छे अच्छे खिलाड़ी है जो अपने राष्ट्रीय स्तर के जो हॉकी खेलते हैं वो भी इसमें शिरकत करने लगेंगे। मुझे उम्मीद है अभी भी इसमें कई बच्चे हैं जो राष्ट्रीय और स्टेट लेवल के खिलाड़ी हैं वो इसमें भाग ले रहे हैं। ये सेकंड नेशनल है जिसमें हमने ये देखा 10 टीमों ने भाग लिया है, ये भी बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। हमारे प्रमोद जी ने इसके लिए बहुत सजेशन और बहुत मेहनत की है, इन्होंने समय समय पर गाइडलाइन करी है कि भाई आप इस गेम को इस तरह से करो तो और ज़्यादा अच्छा है। हमने बकायदा इसकी क्लासेज ली है, ट्रेनिंग दी है, बच्चों को कोचिंग के लिए ट्रेनिंग दी है, ऑफिशीटिंग के लिए ट्रेनिंग दी है, तब जाके आज हम इस स्थिति में पहुंचे हैं कि ये सेकंड नेशनल राजस्थान में हम कराने जा रहे हैं। मेरा अनुभव कहता है कि कोई भी गेम शुरू होता है तब उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती है, लेकिन चूंकि ये सेकंड है कम दिक्कतें होगी, आने वाले टाइम में और कम होगी, और जब धीरे धीरे सभी लोग इसको जुड़ेंगे तो इसमें भी बहुत सारी तब्दीली आएगी और ये खेल बहुत आगे जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक की हमें एशिया की एसोसिएशन बन चुकी है, नेशनल की बन चुकी है, स्टेट की, ये जो आप 10 स्टेट है वहाँ एसोसिएशन बन गई है। हमारे यहाँ बीच में बहुत अनुभवी खिलाड़ी के कोचेज और अधिकारी बैठे हैं विभिन्न स्टेट से आए हुए, वो भी अपना अनुभव इसमें शेयर करेंगे। मैं मानता हूँ कि ये खेल आने वाले टाइम में पूरी धूम मचाने वाला है। अभी इसको इतना प्रचार प्रसार मिला नहीं है, जिस दिन मिलेगा उस दिन आप इस खेल को हर टीवी चैनल पे देखोगे। इसमें बहुत से अनुभवी लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, जो हॉकी के भी हैं और प्रशासनिक अधिकारी भी हैं। आप सब लोग यहाँ आए ये हमारे लिए बहुत किस्मत की बात है और आप सब लोगों को मैं स्वागत करता हूँ ये पिंक सिटी गुलाबी नगर में। उम्मीद करता हूँ रहने खाने की सब अच्छी व्यवस्था है और कोई भी कमी रह गई हो तो अपन खिलाड़ी हैं। खिलाड़ी हमेशा हर सिचुएशन को हैंडल कर लेता है। आप लोगों को तो बहुत सारी सुविधा अब मिल रही है, राजस्थान सरकार भी बहुत खिलाड़ियों को पैसा दे रही है, अदर स्टेट भी बहुत फैसिलिटी दे रही है, अकाडमियां खूब खुल रही है। हमारे टाइम में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन आपका उद्देश्य अच्छा है, आपका टारगेट है कि मुझे इसमें इंटरनेशनल करना है, तो डेफिनेटली यू विल बी विन। आपका टारगेट और आपका उद्देश्य होना चाहिए कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, तो खिलाड़ी मेहनत करता है वो खिलाड़ी हमेशा आगे पहुँचता है, लेकिन उसे सबसे पहला काम है अनुशासन। अगर अनुशासन में रह के खेलेगा तो मैं मानता हूँ उसको कोई रोकने वाला नहीं। मुझे यह आज अवसर मिला आप सब लोगों के बीच में, इसके लिए मैं रमेश जी का और पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो प्रांगण आप देख रहे हैं उसमें मैं भी यहीं से निकला हुआ हूँ 2003 का और बीपीएड से, और उसी के विभाग के हमारे पुनिया सर जो हमारे अतिथि हैं मुख्य अतिथि, और इस समय बहुत ही इन्होंने अनुभव इस प्रांगण का बहुत अच्छा अनुभव है यूनिवर्सिटी का, अपना अनुभव और आपको आशीर्वाद वचन देकर आशीर्वाद प्रदान करें। सॉफ्ट हॉकी के इस सीनियर नेशनल में सबसे पहले मैं सम्मानित मंच का
अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने मुझे भी अपने साथ स्थान प्रदान किया। विभिन्न राज्यों से आए हुए प्रशिक्षक और प्यारे खिलाड़ियों, मैं संस्कृत का प्रोफेसर हूं, पर एक बार मैं थोड़ा सा मन उचाटन हो रहा था, तो जुलाई 2015 की बात है, ये पेड़ पौधे लगाने के लिए मैं यहाँ सुबह सुबह आता था। यहाँ से मेरी खेल जगत की शुरुआत हुई। बीच में फिर मुझे यहाँ खेल सचिव बना दिया गया, स्केटरी स्पोर्ट्स बोर्ड, तो उसके तहत मुझे जो भी आता था मैं प्रमोद जी से राय लेता कि इसको एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं। वास्तविक रूप से मुझे लगाया गया कि प्रशासनिक अधिकारी डंका हो तो खेल तो खिलाड़ी और उनके प्रशिक्षक तैयार करेंगे, पर उनको समस्या नहीं आनी चाहिए। और जो योजनाएं पिछले 10 साल से ठंडे बस्ते में पड़ी थी वो हमने एग्जीक्यूट करनी शुरू की। कुछ 19 में हुई, कुछ 20 में फिर कोविड आ गया, कुछ 22 में हुई है और 23 में अभी हमारे मंत्री महोदय मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है कि आपके स्पोर्ट्स बोर्ड के लिए हम 18 करोड़ रुपए देंगे। उसके बाद में यहाँ एक अलग नजारा और होगा स्पोर्ट्स बोर्ड का। पर मैंने पिछले 3.5 साल में विश्वविद्यालय से, फेडरेशन से होने वाले समस्त गेमों से प्रत्यक्ष रूप अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ हूँ, खिलाड़ियों को खेलते हुए भी देखता हूँ, और अब तो मेरी पहचान संस्कृत के रूप में कम रही है, स्पोर्ट्स बोर्ड के बारे में ज्यादा हो गई है। विद्यार्थी भी हंगामा करते हैं तो ये कहते हैं कि स्पोर्ट्स बोर्ड को भंग करो, क्योंकि हमारी अवैध मांग तो सुन नहीं रहे, खिलाड़ियों खिलाड़ियों की सुनते हैं ये। आप सब लोग यहाँ पधारे, अच्छे ढंग से खेलें, किसी भी पार्टिसिपेंट को कोई दिक्कत नहीं हो, एक अच्छी यादगार लेके जाएं। मेरे बहुत बहुत शुभकामनाएं सबके साथ है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका अनुभव हमारे सभी खिलाड़ियों के प्रेरणा स्रोत बनेगा। हमारे सॉफ्ट हॉकी फेडरेशन इंडिया के और राजस्थान के और यहाँ के स्पोर्ट्स बोर्ड सेक्रेटरी हमारे प्रमोद सर, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजाई जाए, जिनकी बदौलत ये नेशनल हो रहा है। आवाज नहीं आ रही, लगता है ऐसे उदास बैठे हैं सब, खिलाड़ियों का जोश दिखते बनता है। मैं सर के बारे में ये कहूँगा कि वाकई अच्छे हो या हमें अच्छे लगते हो, चेहरे पे लाना मत गम, आप हंसते हुए चेहरे अच्छे लगते हो। चेहरे की मुस्कान खिलाड़ियों को एक नई ऊर्जा स्फूर्ति देती है। मैं यही कहना चाहूंगा, क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए, जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए। हम तो तलाश करते हैं ऐसे मौकों की, हमारी जिंदगी आपके और देश के काम आ जाए। इसी शब्दों के साथ में सर से आग्रह करूंगा कि आशीर्वाद प्रदान करें। बड़े भारी भारी शब्दों का उपयोग रमेश जी ने कर लिया। मंच पर आसीन आज के इस उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि प्रोफेसर राजेश पुनिया जी, सॉफ्ट हॉकी एमेच्योर फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट श्रीमान गजेंद्र सिंह राठौर साहब, मंच पर आसीन हमारे और सब सम्माननीय अतिथि, विभिन्न राज्यों से पधारे हुए कोचेज साहिबान, यहाँ पर उपस्थित अन्य विद्यार्थी, हमारे ऑफिशियल्स और ये सामने एक विशाल आकार लेते हुए हमारे युवा, तो सबसे पहले तो आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है यहाँ पर। आप अब अगले 3 दिन तक, 8 तारीख तक जो है यहाँ पे इस मैदान पर थिरकेंगे, आप प्रदर्शन करेंगे, उससे चमत्कृत करेंगे, और आशा करते हैं कि राजस्थान के अलावा और बाहर से जो टीमें यहाँ पर आई हुई वो भी अपना उत्कृष्ट कौशल यहाँ दिखाएंगी, और निश्चित रूप से जो जूनियर्स टीमें यहाँ पर राजस्थान में अंदर तैयार हो रही है वो आप लोगों से बहुत कुछ सीखेगी, वो चाहे ड्रिबल के रूप में हो, पासेस के रूप में हो, आपके व्यक्तित्व के रूप में हो, आपके पैशन और जुनून के रूप में हो, कुछ ना कुछ इनको जरूर सीखने को मिलेगा, और आपस में आप और हम लोग अच्छे अनुभव के साथ आगे बढ़ेंगे। रमेश जी बहुत सारा जो है सर वो दे देते हैं, बहुत सारा कि
श्रेय लेने का दे दिया, उन्होंने क्रेडिट मुझे दे दिया बातचीत में, लेकिन एक्चुअल में जैसा राठौड़ साहब ने कहा, ये सब कुछ जितना मूर्त रूप अभी स्थिति में ले पाया है सॉफ्ट हॉकी खेल हमारा, और निश्चित रूप से भविष्य में जो पूरे विश्व पटल पे छाने वाला है, उसके पीछे नींव के रूप में काम करने वाले और सतत अपना प्रयास करने वाले वो हमारे इसके महासचिव रमेश जी हैं, तो इनके लिए ढेर सारी ताली। टेक्निकल ऑफिशियल टीम को संभालने वाले हमारे हर्षित यादव उधर खड़े हैं एक तरफ कोने में, यही सादगी चाहिए होती है जो वास्तव में चीज़ों को ऊपर उठाते हैं, और रूल्स फ्रेम करना लगातार उस पर नज़र रखना और कैसे सारा कोऑर्डिनेशन करके उसको आगे बढ़ाना, उसमें हर्षित हमेशा जो है प्रयास करते रहते हैं। यहाँ हमारे जयसिंह जी बैठे हुए हैं, इनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों योगदान मिलता रहता। हरजिंदर सर यहाँ बैठे हुए हैं हॉकी के उसमें जो आपका समर्पण है वो सब लोग इनको जानते हैं, और सॉफ्ट हॉकी भी आपके जो है हाथों में बड़ा अच्छा फल फूल रहा है। हमारे यहाँ पर सब नेशनल रेफरीज भी यहाँ साइड में बैठे हुए हैं बच्चे, ये बहुत अच्छा जो है इसमें काम कर रहे हैं। आप लोग खूब अच्छा खेले, बहुत सारी आपको शुभकामनाएं हैं, आगे बढ़े और आप ये हमेशा ध्यान रखें, अभी ये बिल्कुल ये खेल भी जो है ना अपने बिल्कुल शैशव अवस्था में है, और जो लोग खिलाड़ी खेल से जुड़े हुए थोड़ा बहुत पढ़ते भी इतिहासों को, तो आप देखेंगे तो वॉलीबॉल शुरू हुआ, बास्केटबॉल शुरू हुआ, जेम नाइस्मिथ ने शुरू किया था, इन खेलों को शुरू होकर आगे बढ़ने में और थोड़ा बड़े स्तर पर छाने में 8 से 10 साल का समय लगा, और फिर जाके कहीं फिर आगे बढ़ना शुरू हुए, और ये 1.5-2 साल के अंदर ही सॉफ्ट हॉकी ने जो एक बड़ा सा रूप लेना शुरू कर दिया है, तो ये इससे नज़र आ रहा है कि ये ऊँट के पग पालने में दिख गए यहाँ पे। खेल बहुत रोचक है, इंजरी के बहुत मिनिमम चांसेस होते हैं, 40x20 मीटर का मैदान है और बहुत फास्ट चलता है, जब गोल ज़्यादा होते हैं तो फिर मैचों में आकर्षण बहुत बढ़ता है। पहले हमारा हॉकी भी अपना मेन हॉकी जब खेला जाता था उसमें ऑफ साइड का रूल भी था, लिमिटेशंस थे कि खिलाड़ी जो चेंज किए जाएंगे, तो गेम थोड़ा स्लो था। बाद में एस्ट्रो ट्रफ पे चला गया, साइकिलिंग चेंजेस कर दिए, कितने भी चेंज हो सकते हैं, ऑफ साइड रूल हटा दिया, इतना फास्ट गेम हो गया और गोल स्कोर होना शुरू हुए। जब गोल ज़्यादा होते हैं तो मैच में आकर्षण बढ़ता है। अब स्थिति कैसी है उसमें अपनी फील्ड हॉकी में कि कोई टीम अगर 5-0 से आगे और 15 मिनट बाकी है और आपने अगर टीवी बंद कर दिया और बाद में परिणाम देखे तो 6-5 से दूसरी टीम जीत गई है ना। पाकिस्तान के अगेंस्ट अपनी चैंपियंस ट्रॉफी में खेलते हुए जुगराज सिंह ने शानदार परफॉर्मेंस किया था और बाद में वो 7-4 से भारत जीती, और बहुत चमत्कार करने वाला एक टाइम था वो उस समय जुगराज सिंह जब खेल रहे थे, गगन अजीत खेलते थे, तो ईश्वर करे बाद में आप लोगों के भी नाम ऐसे ही सॉफ्ट हॉकी में लिए जाएँ। बहुत सारी आपको शुभकामनाएं हैं और ये प्रतियोगिता भी सफल हो आप सब लोगों के सहयोग से, ऐसी आप अपेक्षाएं आशाएं और शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।